बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या कनाबदो वैया कनस्ताइन। अभी तो तकरीर शुरू ही नहीं मैंने की। सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले उधर इंतजामिया को मैं कहूंगा कि लोग बाहर खड़े हुए हैं उनको अंदर आने दे, दरवाजे आपने बंद किए हुए हैं। लोगों को अंदर आने दे। जुनेद अकबर, आपको 25 साल तहरीक इंसाफ में जिस तरह आपने मेहनत की और नजरियाती जदोजहद की, मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं डर गई। अब नौजवानों, आपने आराम से अब मेरी बात सुननी है। मुझे पता है कि 11 बजे से आप यहां आए हुए हैं और मैं महमूद खान आपको, वजीर आला साहब आपको ये कहना चाहता हूं कि आगे से लोगों को सिर्फ तब टाइम दें, एक घंटा पहले टाइम दें, ताकि अगर 11 बजे टाइम देना है तो मैं 12 बजे आ जाऊं, इतनी देर लोगों को इंतजार ना करवाएं। अच्छा डर गई, पहले तो आपका बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है, इंशाल्लाह मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि दरगई के बाशऊर नौजवान और बुजुर्ग उस जमात के साथ आप चलेंगे जो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, जो इस मुल्क की एक आजाद फॉरेन पॉलिसी के साथ खड़ी है और जो चोरों के साथ के खिलाफ खड़ी है। इंशाल्लाह आप वो चलेंगे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन आज जो अहम आज मैं बात करने आया हूं और आपने बड़ी गौर से आज मेरी बात सुननी है, क्योंकि कभी कभी कौमों की जिंदगी में फैसला कुन वक्त आता है जब कौम के सामने दो रास्ते आ जाते हैं। मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, हम नमाज में सिर्फ एक चीज मांगते हैं, नौजवानों हम अजान में सिर्फ अल्लाह से एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी हैं, उनके रास्ते पे ना लगा जो अपने तबाही के रास्ते पे चले गए। हमारे सामने भी अब दो रास्ते आ गए हैं, एक तरफ पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर डाकू, वो सब इकट्ठे हो गए हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल इन डाकुओं के खिलाफ जद्दोजहद की है। मुल्क पे फैसला कुन वक्त आ गया। इन डाकुओं ने जमा होके, इकट्ठे होके, चोरी का पैसा जमा करके हमारे एमएनएस उनके जमीर की कीमत लगा दी है, उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मेरे दरगई के नौजवानों एक मिनट सुन ले मेरी बात, लोटे में मत ले दो, एक लोटे में फिर से सुन ले, एक
होता है लोटा और एक होता है जमीर फरोश, जो अपना जमीर बेचता है। इनमें फर्क होता है। जो लोटा होता है ना, वो जिधर इख्तदार होता है उधर उसका मुंह चला जाता है, लेकिन जो जमीर फरोश होता है वो पैसे लेके अपना सौदा करता है, अपने मुल्क का सौदा करता है, अपनी जमहूरियत का सौदा करता है, अपने दीन का सौदा करता है। और उसका दीन जो भी दीन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी अल्लाह का दीन आपको इजाजत नहीं देता अपने जमीर को बेचने के लिए। सो ये जो हो रहे हैं इस वक्त, ये लोटे नहीं हो रहे हैं, ये अपने जमीर के सौदे कर रहे हैं सारी कौम के सामने। हमारे मुल्क की अदलिया भी देख रही है, हमारे मुल्क की इलेक्शन कमीशन भी देख रही है, और जो हमारे मुल्क का नौजवान है वो भी देख रहा है। आजकल दरगाह के नौजवानों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल बच्चों के अंदर वो शऊर है जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों में नहीं होता था। आपके मोबाइल फोन के ऊपर वो चीजें, अब आपको वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन जो आज आपको मिलता है, वो इंसानी तारीख में कभी बच्चों को भी नहीं मिलता था। तो आज सारी कौम के सामने ये सौदा हो रहा है, जमीरों का सौदा हो रहा है, और इसको जमहूरियत का नाम दिया जा रहा है। डर गई कि मेरे नौजवानों और जो भी पाकिस्तान में मेरा यूथ, जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, वो देख रहा है। मैंने अपनी जिंदगी की 20-25 गर्मियां बर्तानिया में गुजारी जब मैं क्रिकेट खेलता था, पढ़ता था। हमने बर्तानिया से ये निजाम लिया है जमहूरियत का। मैंने नौजवानों अपनी सारी 20-25 साल में कभी सुना ही नहीं कि वहां का कोई मेंबर पार्लियामेंट अपने जमीर का सौदा करे। वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उनकी अखलाकी कदरें, उनकी मोरालिटी, उनकी अखलाकियात वो इतनी ऊपर है उनके सियासी लोगों में कि कोई तस्वर भी नहीं कर सकता अपने आप को बेचने के लिए, कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि अपने मुल्क को बेचे, अपनी जमहूरियत को बेचे, क्योंकि वहां उनको पता है कि कोई जगह नहीं मिलेगी माशरे में, उनको उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। तो आज मैं सारी अपनी कौम को कहता हूं कि ये वो टाइम आ गया है कि आप फैसला करें आप किधर खड़े हैं। कुरान की आयत है, दरगाह के नौजवानों, अल्लाह ने कुरान में हमें कहा है अमर बिन मारूफ व नहीं अनल मुनकर। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है? मतलब नहीं तो अभी आपको सबको मतलब पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि तुम न्यूट्रल रह जाओ, ना इधर ना उधर। अल्लाह ने हुक्म दिया है, अगर आपने अपने माशरे को बचाना है और ऊपर अजीम मुल्क बनाना है तो आपने बदी के खिलाफ खड़े होना है, जहाद लड़नी है। जब खुलेआम सिंध हाउस के अंदर बंद करके एमएनएस को सिंध की पुलिस लाके पैरा दे और बोरियां पैसे की आए और जमहूरियत का जनाजा निकाला जाए, तो सारी कौम के ऊपर लाजिम हो जाता है
कि वो खड़े हों सच और हक और अच्छाई के साथ और इस किस्म की सौदाबाजी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। यह अल्लाह का हुक्म है, यह कुरान की आयत है। और जो मुल्कों की मैं नाम ले रहा हूं, जो मुसलमान भी नहीं, नौजवानों उन मुल्कों के अंदर उनकी अक्सरियत अच्छाई के साथ खड़ी होती है। किसी की जरूरत नहीं है किसी सियासतदान की कि वो अपने जमीर का सौदा करे। तो मैं सबसे पहले, अब नौजवानों आप ये मेरी जरा बात सुननी है, मैं आज सबसे पहले नून लीग के लोगों से बात कर रहा हूं। नून लीग वालों, तुमने तो आसिफ जरदारी को दो दफा जेल में डाला चोरी पे, तुमने तो अपने दौर पे उसके ऊपर करप्शन के अरबों रुपए के जाली अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स के केस बनाए हैं। और पीपल्स पार्टी वालों, आपने तो सारे नवाज शरीफ के ऊपर केस बनाए हुए चोरी के, हुदायबा पेपर मिल का केस तो आपने बनाया उसके ऊपर। आपने, आपके जमाने में जब ये 2008 से 2018 तक जब जो दो चोरों की हुकूमत थी तो आपने तो एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाए थे, तब तो ये चोर थे। और शहबाज शरीफ, आपने जब पेट फाड़ के जरदारी का पैसा निकालना था तो वो चोरी का पैसा था ना। और फिर फजल रहमान, जरा मुझे आप आज जवाब दें, फजल रहमान आपको डीजल का खिताब तो नून लीग ने दिया था। उनके एक रंगबाज, उसको मैं कहता हूं बड़ा करप्ट आदमी है, बड़ी बड़ी बड़के मारता है, उसने आपको डीजल इसलिए कहा था कि उसने कहा आपने पीपल्स पार्टी की हुकूमत से डीजल के परमिट लेके बेचे थे। और आपके ऊपर, आपके ऊपर जो ये शहदा की जमीन पे आपने कब्जा किया नैब का केस, वो तो नून लीग के दौर में आपका बना था। तो सवाल दरगई के नौजवानों, आज अब मैं सबको गवाह बना के इनसे सवाल पूछता हूं कि क्या, सुने जरा ये सवाल और पाकिस्तान की कौम जो देख रही है, कि क्या चोरी सिर्फ इसलिए बुरी है जब आपका मुखालिफ करता है, लेकिन जब वो आपके साथ मिल जाता है तो चोरी बुरी चीज नहीं है? इसका मतलब, अब मैं आप सबको जो अगला, जो अगली बात कहता हूं, इन तीनों जमातों को, ये थ्री स्टूजेस को, अभी मैं बताऊंगा थ्री स्टूजेस मैं इनको क्यों कहता हूं। मैं इनको, ये अगला मेरा सवाल है कि देखें, मां बाप का जो दर्जा है वो हमारे दीन में, इस्लाम में बड़ा मुकद्दस है। नौजवानों, हमारा दीन कहता है मां बाप की इज्जत करो। ये क्यों कहता है? इसके पीछे फलसफा है। वो क्या फलसफा है? फलसफा ये है कि जितने भी आपके मां बाप गुनाहगार हों, लेकिन वो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे वो गलत काम ना किए जो मैंने किए हैं। मां बाप का प्यार बिलॉस होता है। मां बाप हमेशा चाहते हैं कि जो भी मैंने जिंदगी में गलतियां की वो मेरे बच्चे ना करें, इसलिए मुकद्दस है। तो नौजवानों, मैं अब इन तीनों जमातों के मां बाप से पूछ रहा हूं जो इन पार्टियों में हैं, मुझे बताएं, जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि जनाब आप तो कहते थे कि जरदारी चोर है, तो वो कहता था शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ चोर हैं, और फजल रहमान को डीजल कहते थे, तो
आप क्या जवाब देते हैं अपने बच्चों को? आपको मैं सबको आज ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये इस मुल्क से वो करने जा रहे हैं, नौजवानों सुनो मेरी बात, ये मुल्क से वो करने जा रहे हैं जो दुश्मन भी नहीं करता। एक मुल्क के ऊपर आप बमबारी करें, दहशतगर्दी की जंग लड़ें, जंग भी हार जाएं, वो माशरा फिर भी खड़ा हो जाता है। जापान के ऊपर 2 एटम बम गिरे थे दूसरी जंग अजीम में, वो फिर खड़ा हो गया। माशरे कभी भी जंग हारने से खत्म नहीं हुआ आज तक, लेकिन माशरे को अगर आपने तबाह करना है, उसकी अखलाकियात तबाह कर दो, उनको अच्छे बुरे की तमीज खत्म कर दो। इसलिए ये आयत है अमर बिल मारूफ, इसलिए अल्लाह ने हमें हुक्म किया है कि अच्छाई के साथ खड़ी हो और सब बुराई के खिलाफ जहाद करो, आपकी बेहतरी के लिए, माशरे की बेहतरी के लिए, माशरे को जिंदा रखने के लिए। ये जो लोगों के चोर, लोगों के चोरी के पैसे से जमीर के सौदे कर रहे हैं, ये हमारे माशरे में, मैं फिर से कहता हूं, ये वो करने जा रहे हैं इस मुल्क के साथ जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। इस मुल्क की इखलाकियात तबाह करने जा रहे हैं कि वो लोग जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, MNA जो होता है वो पब्लिक से वोट लेके आता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कहता है, पब्लिक के मफादात की हिफाजत करने आता है, तो जब वो जाके अपने जमीर को बेचता है तो वो तो उसके बाद आप कैसे रोकेंगे किसी को चोरी करने से? वो कहेंगे जी लीडर तो सारे चोरी कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं सीधे रास्ते पे चलो। कौम की जब इखलाकियात खत्म होती है, कौम मेहनत करना छोड़ देती है। क्यों कोई मेहनत करे जब चोरी में पैसा है? मैं अब आज दरगाह आपके सामने अपने जो MNAs जिनको ये करोड़ों रुपए दे के, रिश्वत दे के खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आप उनसे मुखातिब हूं। देखो मेरे जो गलती कर बैठे MNAs, देखे एक पार्टी का सरबरा आपकी बाप की तरह होता है, मैं आपकी भलाई के लिए अब बातें कर रहा हूं, मेरी बड़ी गौर से बात सुनो। देखें ये वो दिन चले गए छांगा मांगा के, जब इन्होंने भेड़ बकरियों की तरह MPs नून लीग ने छांगा मांगा रेस्ट हाउस में और पीपल्स पार्टी ने मरी, वो दिन चले गए हैं। तब तो आप दोनों करप्ट थे, तो लोगों, तब तो आपने अभी करप्शन में इतना नाम नहीं कमाया था, तो लोगों ने तो यह समझा कि जंग चल रही है। ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसमें लोगों में शऊर आ चुका है। सोशल मीडिया का जमाना, मैं फिर से बता रहा हूं, आपके बच्चे बच्चे को आपके नाम पता चल गए हैं, आपको सबको पता चल गया है कि आपने अगर पार्टी को छोड़ा तो सिर्फ और सिर्फ आप पैसे लेके छोड़ेंगे। आप जितना मर्जी कहेंगे जी मेरी जमीर जाग गया है और मैंने फैसला किया इन चोरों के साथ मिलने का, लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। आप जितना भी कहेंगे जी इमरान खान बड़ा बुरा आदमी है, होगा बड़ा बुरा, लेकिन लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। लोग सब समझेंगे कि आपने अपने आप को बेचा है। दरगाह के लोगों, नौजवानों, आप मुझे यह बताएं हाथ खड़ा करके, अभी नहीं मैं बताऊंगा, आप मुझे यह बताएं कि क्या आप ये सब समझते हैं कि इन्होंने अगर हमारा कोई भी आदमी इनके लिए वोट डालेगा, ये सिर्फ और सिर्फ
इनसे पैसे लेके अपना जमीर बेच के वोट डालेगा? अगर आप समझते तो हाथ खड़ा कर दें। ये जरा एक मिनट फिर से हाथ जरा कैमरा दिखाना कि ये लोग, ये सारा पाकिस्तान यही समझेगा, सारे पाकिस्तान में मेरे एमएनएज मेरी सुन ले मेरी बात, आज सारे पाकिस्तान ये समझता है, आप जो मर्जी उनको कह लें, सारा पाकिस्तान ये समझेगा कि आपने अपना जमीर बेचा है। और ये जो सोशल मीडिया है हमेशा के लिए आपके नाम के साथ लग जाएगा कि आप जमीर फरोश हैं। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। आप हमेशा के लिए आप अपना मुस्तकबिल ये पैसे लेके तबाह कर देंगे, आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। लोग बाशऊर हैं, आप ये छांगा बांगा के दिन चले गए हैं, लोगों ने आपको माफ नहीं करना, क्योंकि लोग ये जो थ्री स्टूजेस हैं इनकी शक्लें जानते हैं, 35 सालों से ये 35 सालों से चोरी कर रहे हैं। इन तीनों नैब के अंदर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। आप जो मर्जी कर दे उल्टा लटक जाएं, लोगों ने कहना है कि ये अपने जमीर बेच के गए हैं वहां। क्यों मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं? आप बताएं, हाथ खड़े करके बताएं कि आप क्या समझते हैं। सारी कौम आज ये समझती है, सारी कौम के ऊपर से पर्दा उठ चुका है, किसी को आप पागल नहीं बना सकते। तो इसलिए मेरे जो एमएनएस गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाएं। साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, एक दूजे का थामो हम सब से गलतियां हो जाती हैं। अल्लाह रहमान और रहीम है, माफ करने वाला है, मैं क्या चाहिए हूं? मैं तो जिस तरह का बाप की तरह हूं, बाप अपने बच्चों की गलतियां माफ कर देता है। लेकिन फिर से आखिरी में बात कहूंगा, खुदा के वास्ते अपने बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते ये गलती ना करना, ये गलती ना करना। मुझे लोगों ने कहा कि इमरान खान, ये सुने मुझे लोगों ने कहा, उन्होंने ये कहा कि देखें वो तो उनके पास सिंध की हुकूमत है, वो तो सिंध की हुकूमत का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास तो पंजाब पख्तूनख्वा आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, आपके पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, आप इनको खरीद के वापस ले आए। मैंने अपने लोगों को कहा जिन्होंने मुझे ये तजवीज दी, मैंने कहा सबसे पहले मैं अल्लाह को जवाब दे हूं, मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है। अवाम का पैसा चोरी करके, यानी अवाम का पैसा जो होता है ना, गवर्नमेंट का पैसा होता है आपका पैसा, ये ऐसे ही है कि मैं पख्तूनख्वा के लोगों का पैसा इस्तेमाल करके और अपनी गवर्नमेंट बचाऊं? अगर मैंने लोगों का पैसा चोरी करके अपनी गवर्नमेंट बचानी है, इससे बेहतर है कि मेरी गवर्नमेंट चली जाए। अगर मैंने अपने जमीर का सौदा करके रिश्वत देनी है एमएनएस को, मैं लानत भेजता हूं ऐसी हुकूमत को। और ये दरगई, जरा ये सुने, वो जो वो कौन है, अच्छा ये मुझे बताए वो कौन है जो सूट पहन के टाई लगा के वो बड़ी बड़ी टोपी पहन के फिरता है पाकिस्तान में, वो कौन है?
ये वो है नहीं, ये डीजल नहीं है, ये वो आदमी है, सुने जरा, ये इसने मुझे तजवीज दी है, सुने जरा, इस बेशरम ने मुझे तजवीज दिया है कि इमरान खान आपको एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। इसके बेटे ने भी ये तजवीज दिया है और फिर इसने कहा है दरगई में नौजवानों बेशर्मी की इंतहा देखो, कहता है कि यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने उनकी आपको तनकीद भी करनी चाहिए थी। जरा शहबाज शरीफ और आपके बेटे और वो जो उधर बैठा हुआ है डरपोक झूठा मुजरिम डरपोक और झूठा और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बाहर बैठा हुआ है, जरा सुन लो मेरी बात। मुझे ये बताओ कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट किस बात पे किया था। उन्होंने मेरे से पूछा था कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को बेस देगा अफगानिस्तान के अंदर, अगर इंतजार हो तो यहां से बेस इस्तेमाल करें अफगानिस्तान के खिलाफ, ये उसने मेरे से पूछा था। मैं आप सबको नौजवानों मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब 25 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था तो मेरी पार्टी का नस्ब लैन था इया कनाब दो वैया कनस्ताइन, अल्लाह तेरी इबादत करता हूं तेरे से मदद मांगता हूं। मैंने जब से पहले दिन से मैंने क्या कहा था कि ना मैं कभी किसी के सामने झुकाऊं ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। जो जो हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की, जो नौजवानों पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में शिरकत की, 80,000 हमारे लोगों की जाने गई, हमारा कबायली इलाका तबाह हो गया, 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की वहां से जब हमने उनकी जंग में शिरकत की, 100 अरब डॉलर से ज्यादा मुल्क को नुकसान हुआ, तो मैं छोटे मियां शोबाज आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि क्या मिला उससे हमें। जो आपका यह कहने का मतलब कि फिर से हम उनकी जंग में शामिल हो जाएं, मैं वाजे करता हूं, मैंने अमेरिका को बार बार कहा अमन में हम आपके साथ हैं, जंग में आपके साथ नहीं है। जो शहबाज शरीफ ने यूरोपियन यूनियन की बात की एम्बेसडर्स की, जरा गौर से सुन लें, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए किसी एम्बेसडर को यह हक नहीं पहुंचता कि मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पे पब्लिक में बात करें, किसी को नहीं पहुंचता। उन एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल के खिलाफ पाकिस्तान को कहा कि आप रूस के खिलाफ बयान दें। मैंने उनसे सही पूछा कि क्या आप हिंदुस्तान को यह कहेंगे, इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए, और हम को इनके गुलाम है कि हमें कहें जनाब आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें। इन्होंने प्रोटोकॉल के खिलाफ बात की तो शहबाज शरीफ और इसका बेटा कहता दरगई कहता कि इमरान खान ने बड़ी गलत काम किया कि उसने गोरों के सामने ये बात कह दी। शहबाज शरीफ आपकी जो सबसे बड़ी खासियत वो पता क्या है, क्या है इसकी, ये बूट पॉलिश बड़े अच्छी तरह करता है, ये जब भी कोई बूट देखता है पॉलिश करना शुरू कर देता है, और ये जब कोई गोरा देखता है सूट पहन के अंग्रेजी बोलता हुआ फटाफट उसके भी जूते पॉलिश करने शुरू कर देता है। तो शहबाज शरीफ मैं एक आजाद इंसान हूं, मैंने जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा था तो मैंने दावा किया था कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा के सामने कोई खुदा नहीं है, किसी के सामने नहीं झुकूंगा। इसका यह मतलब नहीं कि हम किसी से जंग लड़ रहे हैं, हम एक आजाद मुल्क चाहते हैं, मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी मेरे लोगों की बेहतरी में हो। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा
आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है, क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शन लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। इन दोनों के दौर में, इन डाकुओं जब 10 साल ये इक्तदार में थे तो इनकी पॉलिसी हमारे लिए नहीं थी। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान पे, हमारे औरतें बच्चे मारे गए, हमारे बेकसूर लोग मारे गए। एक दफा इन्होंने मजम्मत नहीं की, मुनाफकत की, मुनाफकत की। अमेरिकनों को कहा कि आप ड्रोन मारी जाओ और हुकूमत से एक स्टेटमेंट आया हम मजम्मत करते हैं। मुनाफिक, पैसे की पूजा करने वाले, इनके इनके पैसे पड़े हुए हैं मुल्क से बाहर, इनकी बड़ी बड़ी अरबों रुपए की जायदादें पड़ी हैं मुल्क से बाहर। ये कभी अपनी कौम के लिए नहीं खड़े होंगे, क्योंकि ये पैसे की बुद्ध की पूजा करने वाले लोग हैं। इसलिए कभी पाकिस्तान इनके नीचे आजाद नहीं होगा। इसलिए ये यूरोपियन यूनियन, जबकि उन्होंने प्रोटोकॉल के खिलाफ किया, फिर भी उनकी हिमायत कर रहे हैं। जब पाकिस्तान ने 80,000 लोगों की कुर्बानी दी, फिर भी कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, गलत था। तो मैं अपने पाकिस्तानियों, मैं अब आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि इस मुल्क ने आगे कैसे बढ़ना है। इस मुल्क ने आगे कभी भी दूसरी सुपर पावर्स के सामने झुक के अपनी गैरत खत्म करके गुलाम बन के ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये आगे तब बढ़ेगा जब हम अपने पांव पे खड़े होंगे। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये 3.5 साल में जो हमने किया है, सिर्फ और सिर्फ कोशिश हुई है कि पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा हो। और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या किया। लेकिन सबसे पहले लोग कहते हैं जी आपने क्या किया 3.5 साल में। आज दरगाह के नौजवानों और बुजुर्गों, ये गवाही देना जो मैं आपको बताने लगा हूं कि कभी पाकिस्तान की तारीख में 3.5 साल में किसी हुकूमत ने वो काम नहीं किए जो हमने किए हैं। मैं चैलेंज करता हूं आज, और मैं अभी आपको गिनाता हूं कि हमने किया क्या। लेकिन सबसे पहले मैं अल्लाह का खास शुक्र गुजार हूं कि उसने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और मेरे अल्लाह के सामने मुझे सुरखरू किया, क्योंकि मैं 3 साल से जदोजहद कर रहा था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहुर्मी होती थी, बेहुर्मती, उनकी शान में जो गुस्ताखी होती थी, उनके ऊपर जो कार्टून बनाए जाते थे, जो खाके बनाए जाते थे, पाकिस्तान में हम तोड़फोड़ अपनी करते थे, पुलिस उनको नुकसान पहुंचाते थे, बेचारे कई पुलिस वाले शहीद हुए, कई जख्मी हुए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं बार बार इनको कहता गया कि मैं आपकी ये जंग लड़ूंगा और इंशाल्लाह जीत के दिखाऊंगा, और मेरी और मेरी टीम, मेरे फॉरेन ऑफिस, मेरी टीम, हमने हर फोरम पे यूनाइटेड नेशंस में जाके मैंने तकरीर की। पहली दफा जब भी मैंने यूएन में तकरीर की, मैंने बात की जो इस्लामोफोबिया, यानी जो इस्लाम की, इस्लाम के खिलाफ जो नफरतें हैं, और वो जाहिर कैसे होती हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, फिर इस्लाम और दहशतगर्दी को एक ही कर देते थे। तो मैंने हर फोरम पे मैंने अपनी आवाज़ बुलंद की, और मुझे, मैं इसलिए अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपने नबी और अपने अल्लाह के सामने सुरखरू हुआ कि पहली दफा यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन पास की कि 15 मार्च हर साल दुनिया में, यूनाइटेड नेशंस में इस्लामोफोबिक के खिलाफ दिन बनाया जाएगा।
मैं आप ये सवाल पूछता हूं, फजल रहमान 30 साल से आप दीन के नाम सियासत कर रहे हैं, मुझे बताएं कि कभी आप इसके करीब भी पहुंचे, कभी आपने बाहर जाके बात की? मुझे ये दोनों जमातों के सरबरा बताएं कि 30 साल से आपको मौके मिले यूनाइटेड नेशंस में जाके बात करें जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कभी आपके मुंह से इस्लाम का भी नाम निकला? नहीं निकलना था, क्योंकि आपको खौफ है कि वो आपको कोई इंतहा पसंद ना बना दें। ये कभी वो लोग जो के अपने पैसे की बाहर रखे हुए पैसे उनकी फिक्र करते हैं, कभी नहीं कर सकते थे। तो मुझे सबसे पहले तो इसका है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारी तारीख में पहली दफा यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमने केस लड़ा, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, 55 से ज्यादा मुसलमानों का, तकरीबन 1.5 अरब दुनिया में मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानों ने केस लड़ा और हमने मुसलमानों का केस जीता। दूसरी चीज कोरोना सारी दुनिया में आया, सबसे बड़ा, एक सदी में सबसे बड़ा दुनिया का बुरान था। मेरे पाकिस्तानियों, आज दुनिया मानती है कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपने लोगों को और अपनी मायशत को जिस तरह हमने कोरोना से बचाया, दुनिया अब हमारी मिसाल देती है। दुनिया में 3 मुल्कों में सबसे बेहतर हमारी पॉलिसीज थी। अब मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने पैर पे कैसे खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान तब अपने पैर पे खड़ा होगा जब हमारी आमदनी बढ़ेगी, हम अपने खर्चों को खुद अपनी आमदनी से पूरा कर सकेंगे, हमें कर्जे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस रास्ते पे 3.5 साल में आपका मुल्क निकल चुका है, किसी ने वो नहीं किया 3.5 साल में। और मैं आज अपने जितने मेरे मीडिया के लोग हैं, मैं आज अपने मीडिया के लोगों से भी पहले ये बताने से पहले बात करना चाहता हूं कि देखें, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है जमहूरियत में। मीडिया का काम होता है लोगों को शऊर पैदा करे। अमर बिल मारूफ, सबसे ज्यादा जरूरत और जिम्मेदारी मीडिया की होती है कि अच्छाई के साथ खड़े हों और बुराई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मीडिया में कई मीडिया हाउसेस के ऊपर पैसा चल रहा है और कईयों के ऊपर बाहर से पैसा चल रहा है। और मैं आप पाकिस्तानी आवाम पे छोड़ दूंगा कि खुद जब आप ये मीडिया को देखेंगे तो ये वो डाकुओं के साथ खड़े हुए हैं जो जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। क्या ये है? कोई बाहर की कुव्वत अगर गिराना चाहे पाकिस्तान में तो कितना आसान है, 20 लोगों के जमीन खरीद ले, गवर्नमेंट गिर गई। तो ये मीडिया, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि वो जो लोग इनके साथ खड़े हैं, इन चोरों के साथ, आप ये समझ जाएं कि कौम आपको देख रही है। ये जो वक्त आया है जिधर दो तरफ खड़ी होगी ये कौम, मीडिया का भी वो फैसला कर रही है कि कौन सा मीडिया बिकाऊ है और कौन सा अपने मुल्क और अपने लोगों के साथ खड़ा है। तो मैं आज मीडिया को कहता हूं, नौजवानों, कभी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी एक्सपोर्ट्स ना बढ़े। जब तक आप दुनिया को ज्यादा माल बेचेंगे नहीं तो डॉलर कैसे आएंगे? तो सबसे पहले चैलेंज मैं करता हूं, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हमारे जमाने में बढ़ी हैं, इसका कोई इससे पहले मिसाल नहीं। सारे हमने एक्सपोर्ट्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तारीखी एक्सपोर्ट्स किए हैं पाकिस्तान में। आपके पास मोबाइल फोन होगा, उसमें गूगल करके देख लें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, जो मैं कह रहा हूं वो सच निकलेगा। टैक्सेस होंगे तो आपके ऊपर पैसा खर्च करेंगे,
पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स हमने इकट्ठा किया है, 6,000 अरब रुपया। कभी से पहले किसी ने इतना टैक्स इकट्ठा नहीं किया। तो यानी कि दौलत में इजाफा हो रहा है। फिर बाहर से जो डॉलर्स हमें भेजते हैं हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी, इस मुल्क की तारीख में कभी इतना ज्यादा पैसा डॉलर्स बाहर से पाकिस्तान में नहीं आए जो अब आए हैं, रिमिटेंस रिकॉर्ड। फिर सुनते जाएं, जरई इसलाहत हमने की। आज 5 बड़ी जो फसलें हैं पाकिस्तान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गंदम सबसे ज्यादा रिकॉर्ड, चावल रिकॉर्ड, गन्ना रिकॉर्ड, मकई रिकॉर्ड, आलू रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा हमने फसलें पिया। ये भी अपने मोबाइल पे चेक कर लें। नौजवानों, आपका मुस्तकबिल है आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हमने अपनी आईटी की एक्सपोर्ट्स 75% बढ़वाई है 2 सालों में, और इंशाल्लाह जो टेक्नोलॉजी जोन्स बनाई हैं ये मुल्क सबसे आगे निकल जाएगा क्योंकि हमारे पास नौजवान आबादी है। फिर कंस्ट्रक्शन, पाकिस्तान की तारीख में जो हमने कंस्ट्रक्शन में पैसा दिया है, जो उनकी मदद की है, जो सब्सिडी दी है, जो इंसेंटिव, वो कभी पहले नहीं था। उसकी वजह से 1500 अरब रुपए का कंस्ट्रक्शन के अंदर पैसा आया। उसकी वजह से 30 फैक्ट्रियां चलनी शुरू हुई। हमने कंस्ट्रक्शन के साथ साथ बैंकों के साथ मिलकर पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में वो लोग जो तनख्वाहदार थे, जो कभी अपना घर नहीं बना सकते थे, पहली दफा पाकिस्तान के बैंक का पैसे दे रहे हैं आम लोगों को, वील्डर को, किसान को, मजदूर को, तनख्वाहदार तबके को, क्योंकि हुकूमत सब्सिडी दे रही है 30 अरब की। 50 अरब रुपए के अब तक कर्जे दे चुके हैं आम लोगों के लिए। फिर देखें, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इस्लामाबाद के बाद नया शहर बन रहा है रावी सिटी। इससे हमारा एक तो लाहौर बचेगा, दरियाए रावी बचेगा, लाहौर में पानी ऊपर आएगा क्योंकि ब्राजेस बनेंगे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, एक नया मॉडर्न शहर बना रहे हैं लाहौर को बचाने के लिए। ये कभी किसी ने पहले नहीं किया। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एक लाहौर में हमने शुरू किया है। वॉल्टन एयरपोर्ट, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं डेड कैपिटल था, आज वहां एक पूरा एक नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रही है दुबई की तर्ज पे, जिससे नौकरियां बनेंगी और लाहौर मॉडर्न लाहौर बनने जा रहा है। नाला लई प्रोजेक्ट, पिंडी को आगे बढ़ाने के लिए, मॉडर्न सिटी बनाने के लिए अगले 2 हफ्ते में नाला लई प्रोजेक्ट अनाउंस करूंगा। उसके बाद नौजवानों ये सुनते जाएं, इंडस्ट्री, मुल्क की दौलत तब बढ़ती है जब इंडस्ट्री बढ़ती है। पहली दफा पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हुई है। अभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नजर आया है कि हर मुश्किलों के बावजूद पाकिस्तान की इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, जिसका मतलब टैक्स बढ़ेंगे, जिसका मतलब नौकरियां आएंगी, जिसका मतलब मुल्क की दौलत में इजाफा होगा। तो ये इसके साथ साथ मैं जो आपको एक सबसे जबरदस्त आज खबर देना चाहता हूं, ये जरा सुने आप। खबर ये है कि 11 सालों से पाकिस्तान के ऊपर एक जुर्माना हुआ था, रेकोडिक, एक ऐसी चीज थी कि उसमें पाकिस्तान ने जो हमारा इख्तलाफ हुए इंटरनेशनली, पाकिस्तान के ऊपर 6 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ और इंटरेस्ट लग गया। अगर हम आज में आने से पहले साइन करके आए उनके साथ मुआयदा, अगर मैं ये ना करता तो सुन लें जरा आप, 2000 अरब रुपए का इस मुल्क को हर्जाना देना पड़ना था, 2000 अरब। सोचे पख्तूनख्वा का जो सारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना है महमूद खान, 200 अरब सारा आपका साल का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, 2000 अरब का पाकिस्तान के ऊपर हर्जाना था।
हमारा दिवालिया निकल जाना था। 3 साल हमने उनसे बातचीत की और मुझे बड़े फखर से कहना पड़ता है, आपको अच्छी खबर दे रहा हूं कि आज हमने मुआयदा किया। इससे क्या होगा? पहले तो 2000 अरब रुपए की तलवार चली गई, दूसरा वो अब आके पाकिस्तान में 9 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, जो इस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो ये खास तौर पे आज मैं अपने बलूचिस्तान को खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इससे जो पैसा बलूचिस्तान में आएगा, मुझे खुशी ये है कि बलूचिस्तान पीछे रह गया और अब असल फायदा बलूचिस्तान को होगा। पाकिस्तान को ये फायदा होगा कि हमें डॉलर्स आएंगे, और जो हमें हमेशा IMF के पास जाना पड़ता है क्योंकि डॉलर्स कम हो जाते हैं, इंशाल्लाह अपने पैर पे खड़े होने के लिए ये बहुत बड़ा कदम आज लिया गया है। उसके बाद इनकी करप्शन की वजह से एक रेंटल पावर का 200 अरब रुपए का हमारे ऊपर हर्जाना हो गया था। अदालत ने फैसला कर दिया था कि पाकिस्तान 200 अरब रुपया दे। मैंने सदर तुर्की के सदर अर्दुगान से बात की, वो तुर्की की कंपनी थी, सदर अर्दुगान से बात की और हमने बैठ के 200 अरब रुपए का जो अदालत ने हमारे ऊपर फैसला कर दिया था, 200 अरब रुपए माफ करवाए, मुल्क को बचाए। फिर सुने मेरे नौजवानों, सुनते जाएं आप लोग, कहते हैं जी क्या कुछ नहीं इन्होंने, मैं तो भी थोड़ी सी आपको चीजें कर रहा हूं क्योंकि आप बड़ी देर के खड़े हुए हैं। दो हमने कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट किए, एक IPPs के साथ और दूसरा कतर के साथ। 10 सालों में हमने अपने मुल्क का 700 अरब रुपया बचाया है, 770 अरब रुपया हर साल का। ये सोचे कि वो अब आपके ऊपर लगेगा बजाय कि वो इन कॉन्ट्रैक्ट्स में जाता। और मैं आज आपके सामने, ये मुराद सईद बैठा है, मैं इसको आज आप सबके सामने खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो सहाफी हमारे जबरदस्त हैं पाकिस्तान में, जरा ये गौर से मेरी अब बात सुने। फर्क क्या होता है कि जब एक हुकूमत, एक ईमानदार हुकूमत आती है और जो करप्ट हुकूमत होती है, फर्क क्या उसमें होता है? आप और मैं अपने सहाफियों को भी कहूंगा कि NHA की वेबसाइट पे चले जाए, आपको एक बहुत बड़ा धचका लगेगा कि जो 2013 में NHA ने सड़कों के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, जो 2021 में हमारी हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, अब सोच लें कि 2013 और 2021 में कितनी महंगाई हुई है। तो हमारा तो बहुत महंगे होने चाहिए थे। आपको हैरत होगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट 2021 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में साइन हुए, कितना फर्क था। यानी 1 किलोमीटर के ऊपर पता चला है कि 2021 में 24 करोड़ रुपया फी किलोमीटर कम हुआ है 21 में। और इसका जरा आप सोच ले। देखें नौजवानों, मैंने 25 साल पहले करप्शन के खिलाफ जंग शुरू की थी। वो क्यों की थी? अब ये समझ लें, सिर्फ NHA के अंदर इन्होंने, हमने कैलकुलेट किया है और कोई भी चेक करना चाहता तो रेट्स लगी हुई हैं NHA की वेबसाइट पे, चेक कर लें। इन्होंने सिर्फ 2013 से लेकर 2018 तक सिर्फ सड़कों के ऊपर 1000 अरब रुपया चोरी किया है, 1000 अरब रुपया, जो इन्होंने 2013 में सड़कों के रेट दिए थे वो 2021 में
महंगाई के बावजूद हमने कम रेट्स दिए हैं, उसमें अगर फर्क निकालें 1000 अरब रुपए का फर्क है। ये होता है जब एक ईमानदार हुकूमत आती है, अवाम के पैसे बचाती है, अवाम के लिए काम करती है। और उसकी वजह से जितनी इन्होंने 3.5 साल में सड़कें बनाई थी, उससे दुगनी सड़कें हमने बनाई हैं, क्योंकि हमने सस्ती सड़कें बनाई हैं। पैसा हमारे पास बच गया, अवाम का पैसा था, अवाम पे लगा है। और फिर अब बिजली, एक मिनट जरा ये गौर से सुने, सारी दुनिया में तेल की कीमत ऊपर चली गई, पेट्रोल और मैं नहीं कह रहा, पेट्रोल और अब सारी दुनिया में इनकी कीमत ऊपर गई। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने बजाय 20 रुपए कीमत बढ़ाने के 10 रुपए कीमत कम की। क्योंकि जो हमने ज्यादा टैक्स से पैसा इकट्ठा किया, हमने उससे इस्तेमाल किया अपने अवाम को बोझ कम करने के लिए। आज आप हैरान होंगे, दुबई में जिधर उनकी जमीन से तेल निकलता है, आज पाकिस्तान में जो पेट्रोल है वो दुबई से सस्ता है। हमारा आज जो पेट्रोल है हिंदुस्तान में 70 रुपए ज्यादा महंगा है लीटर, बरतानिया में 150 रुपए ज्यादा महंगा है। आज पाकिस्तान में 150 रुपए का लीटर है क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी कर रही है। हमने टैक्स से पैसा इकट्ठा करके 5 रुपए यूनिट बिजली आपकी कम की है और 10 रुपए पेट्रोल और फजल रहमान को कम किया। अच्छा आप आ जाए, मेरा चैलेंज है, मैं खत्म करने लगा हूं। अब मैं सुने, जरा सुने नौजवानों, थोड़ा मुझे पता 11 बजे के बैठे हुए हैं, सुने जरा। मेरी हमेशा मेरा कोशिश ये थी कि मैं पाकिस्तान को मदीना के रियासत के उसूलों पे खड़ा करूं। फलाई रियासत 25 साल पहले मैंने जब पार्टी शुरू की थी, मैंने कहा था कि इस्लामी फलाई रियासत जो कि मदीना के तर्ज पे थी। आज मेरा दावा है कि इस मुल्क की तारीख में किसी ने अवाम के लिए वो काम नहीं किए जो हमारी हुकूमत ने किए। सबसे पहला हेल्थ कार्ड, हेल्थ कार्ड। हमारे जो ये हुक्मरान थे, ये जब मुंह उठाए तो चले जाते थे बाहर चेकअप करवाने के लिए, तो बाहर इलाज, बाहर सारा टब्बर बाहर। हमने आज वो काम किया है जो इन लोगों को कभी पता ही नहीं चल सकता, तो इन्हें तो पता ही नहीं कि पाकिस्तान में अस्पतालों का क्या हाल है। पहली दफा, और ये दुनिया में शायद ही किसी मुल्क में हो, हर खानदान को, जो सूबे हमारे साथ हैं, हर खानदान को 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन सिर्फ 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, किसी भी नौजवानों किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। कभी हमारे मजदूरों ने, किसानों ने, कभी गरीब खानदान ने सोचा था कि महंगे से प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके उनका इलाज होगा? आज हो रहा है, आज प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं हमारे गरीब लोग, क्योंकि पहली दफा इस मुल्क की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस आई है। और ये आप देखते रहे, सबसे ज्यादा जरूरी होती है सेहत। और मैंने अपने लोगों की, जब से मैंने सियासत शुरू की थी, मैं ये चाहता था कि एक दिन सबसे पहले मैं अपने मुल्क के लोगों की सेहत, कि मुश्किल वक्त में गरीब खानदान है, घर में बीमारी होगी, बच्चा बीमार है, माँ बाप बीमार हैं, पैसे नहीं हैं, अब किसी को फिक्र नहीं होगी क्योंकि आपके घर में 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस होगी, कहीं भी जाके अपना इलाज करवा लें। ये सबसे बड़ी हमारी कामयाबी। फिर पनागा, अब सुने, पनागा
लोग बेचारे मजदूर यहां से जाते थे, बाहर से देहातों से जाते थे दिहाड़ी करने शहरों में, तो सड़कों के ऊपर सोते थे रात को, सर्दियां हैं, ठंड के अंदर बेचारे सड़कों पर लेटे होते थे कि जी वो किराया अगर देंगे तो पैसे नहीं बचेंगे घर में अपनी बीवी बच्चों को भेजने के लिए मजदूरी के। कभी किसी ने नहीं सोचा कि इनके लिए कोई पनाहगाह बनाए जाके रात मुफ्त ठहर सकें, नहा धो सकें, खाना मिले, ताकि जो भी पैसा कमाए वो अपने बीवी बच्चों को भेजे। इंशाल्लाह पनाहगाह का मैं एक पूरा नेटवर्क बना रहा हूं सारे पाकिस्तान में, जिधर भी मजदूर जाते हैं उन सारे मजदूरों के लिए हम ठहरने के लिए पनाहगाह शुरू हो गई हैं, बनाते जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हर जगह, ताकि मेहनत कश सबसे ज्यादा नौजवानों, सबसे ज्यादा अल्लाह प्यार करता है मेहनत कश से, जो सारा दिन मेहनत करता है और कमा के अपने बच्चों का पेट पालता है, इनकी सबसे पहले मैंने मदद करनी है पनाहगाह सारे पाकिस्तान में बना के, फिर कामयाब पाकिस्तान। अब 20 लाख गरीब खानदानों के लिए, पहले तो 20 लाख रुपए सूद के बगैर हम कर्जा दे रहे हैं अपना घर बनाने के लिए, 20 लाख खानदानों, हर खानदान के लिए अपना घर बना सकते हैं, 5 लाख कर्जा मिलेगा, कोई अपनी दुकान खोले, कोई कारोबार करें किसानों के लिए, हर खान, ये 20 लाख खानदान। उधर उन्हीं लोगों के लिए टेक्निकल एजुकेशन एक फर्द को देंगे, हमारी कोशिश है कि नीचे से लोगों को उठाएं जो सबसे दुनिया की रेस में पीछे रह गए हैं, पहली दफा इस मुल्क की तारीख में हम उन लोगों को ऊपर उठाने लगे हैं। और हमारा एहसास का प्रोग्राम है, महंगाई का दौर है, आलमी तौर पे महंगाई आई हुई है, उस महंगाई के दौर में हमारा एहसास का प्रोग्राम है कि 2 करोड़ खानदान को, इसका मतलब पाकिस्तान में 10 करोड़ लोगों को, हम हर खानदान को 30% रियायत दिलवाएंगे चीनी घी और आटे के ऊपर, कि किसी करियाना की स्टोर में जाके 30% आपको कम मिले, ताकि महंगाई का बोझ कम हो। और मैं आखिर में अपने आने वाली नस्लों को बताना चाहता हूं कि पहली दफा है किसी ने पाकिस्तान में अपने आने वाली नस्लों का नहीं सोचा, अब पहली दफा है कि 10-50 साल के बाद 10 बड़ी बड़ी डैम्स बना रहे हैं पाकिस्तान में हम, इससे सस्ती बिजली मिलेगी, पानी के ऊपर बिजली बनेगी, सस्ती बिजली, और दूसरी चीज कि इससे हमारा जो पानी का रिजर्वर, पानी के रिजर्व वो दुगने हो जाएंगे, और ज्यादा जमीन हम काश्त पे लेके आएंगे, और ज्यादा इंशाल्लाह अनाज बताएंगे, ये अपने मुस्तकबिल के लिए। पहली डैम ममन डैम इंशाल्लाह 2025 में, 2027 के अंदर दासू डैम, 2028 में इंशाल्लाह बादशाह जो सबसे बड़ी डैम बन रही है। मैं आखिरी 3 चीजें, पहली दफा किसी हुकूमत ने अपनी आने वाली नस्लों के लिए मुल्क में शजरकारी शुरू की, मौसम की तब्दीली को की जंग लड़ने के लिए, दुनिया आज पाकिस्तान को समझती है कि जो क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान ने कदम उठाए हैं, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशंस में मिसाल दी पाकिस्तान की, कि ये वो मुल्क है जो दुनिया में रास्ता दिखा रहा है अपनी आने वाली नस्लों के लिए। और फिर जो मैं आपके लिए, पख्तूनख्वा के लिए लोगों को खास तौर पर कहना चाहता हूं कि टूरिज्म, ये मेरा आपसे वादा है कि पाकिस्तान को मैं दुनिया का टूरिज्म का सेंटर बनाऊंगा, शुरू कर रहा हूं मैं स्कर्दू से, स्कर्दू इंशाल्लाह दुनिया का स्कीइंग कैपिटल बनेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। ये वो मुल्क है जिसमें अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, लेकिन जो लोग अपनी छुट्टियां सारी लंदन में गुजारे उनको क्या पता कि पाकिस्तान में अल्लाह ने क्या क्या नेमतें दी हैं। इंशाल्लाह ये अगर कोरोना ना होता तो अब तक जो मैं सोच रहा हूं कि पाकिस्तान टूरिज्म का दुनिया का सेंटर बन चुका होता। इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस मुल्क को दुनिया का सेंटर बनाऊं। और मेरे आपके लिए, सबके लिए,
आखिर में सुन लें, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक तालीम का निसाब हम लेके आए हैं पांचवी क्लास तक। इसका क्या मतलब है कि अब तक इंग्लिश मीडियम पैसे वाले बच्चों के लिए, उर्दू मीडियम अवाम के लिए, और फिर दीनी मदरसे वो भी लोगों के लिए, लेकिन अच्छी अच्छी नौकरियां तो इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए थी। हम पहली दफा, ये जो 70 साल पहले होना चाहिए था, पहली दफा इस मुल्क की तारीख में हम एक तालीम का निसाब शुरू कर रहे हैं पांचवी क्लास तक, और फिर इंशाल्लाह इसको ऊपर तक लेके जाएंगे। और मैं अपनी आखिर में तकरीर खत्म करते हुए आपको एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं। खुशखबरी, खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है, खुशखबरी यह है मेरे नौजवानों, अच्छा नहीं खुशखबरी बाद में चलाऊंगा, ये पहले बात कर दूं कि मैंने पाकिस्तान में रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई है। इसका मकसद कि अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, नबी का रास्ता, नबी की जिंदगी, उससे मैं अपनी कौम के कैरेक्टर को उठाऊं, अपने लोगों को अच्छे और बुरे की तमीज सिखाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो हम अपने स्कूलों से शुरू कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च करवा रहे हैं, डिबेट्स करवाएंगे। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि मेरे मुल्क के नौजवानों को पता हो कि दुनिया का सबसे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कैसे इंसानों को तब्दील किया था, उसने कैसे मदीना में इंसानों के कैरेक्टर बदले थे, उसने कैसे इंसानों को तब्दील करके दुनिया की इमामत करवाई थी, उसने कैसे छोटे से लोगों को अजीम लोग बना दिया, उसने कैसे जो मौलाना रूमी कहते हैं, मौलाना रूमी कहता है नौजवानों, कहता है अल्लाह इंसानों को कहता है कि मैंने तो तुम्हें पर दिए थे तो क्यों चूंटियों की तरह जमीन पर रींग रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को पर दे के अजीम कौम बनाया था। ये मेरा मकसद है, ये 70 साल पहले रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बननी चाहिए थी जो हमने अब बनाई है, और इंशाल्लाह तरबियत करेंगे अजीम कौम बनाने के लिए। तो जो मैं आपको खुशखबरी ये सुना रहा हूं, कि ये जो थ्री स्टूजेस का मतलब, स्टूज का मतलब होता है गुलाम, ये जो तीनों गुलाम हैं थ्री स्टूजेस, इन्होंने बड़ी ज्यादा साजिश करके पैसा इकट्ठा करके बाहर के लोगों के घुटने दबा दुबू के, पाँव पकड़ के, जूते पॉलिश करके, तो कहा कि किसी तरह बस इमरान खान को, ये देखे ना, ये तो आपकी बात नहीं मानेगा, हम आपके गुलाम हैं, हम आपकी खिदमत करेंगे। तो इन्होंने बड़ा जोर लगा के ये साजिश की। तो मैं जब आखिरी वर्ल्ड कप खेलने गया था, नौजवानों 5 वर्ल्ड कप खेला था, 3 में कप्तान था, लेकिन आखिरी वर्ल्ड कप जाने से पहले आप अखबार पढ़ लें, निकाल लें पुराने अखबार, मैंने जाने से पहले कहा था कि ये वर्ल्ड कप मैं जीत के आऊंगा। मेरी वो पुरानी टीम से पूछ ले, आधे वक्त, आधे वर्ल्ड कप के ऊपर हम बिल्कुल नीचे थे, मेरी टीम घबराई हुई थी कि जी हम वापस जाएंगे, अंडे मारेंगे लोग। मैं उनको तब पूछने कभी टीम से, मैं सारा वक्त उनको कहा कि ये वर्ल्ड कप हम जीत के आएंगे, कामयाबी तो अल्लाह देता है, कामयाबी नौजवानों अल्लाह देता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है थ्री स्टूडेंट्स मेरी आज बात सुन लो, ये तुम मैच बड़ी बुरी तरह हारने लगे हो।
साहब जो हो